Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And today I am going to discuss a topic on examination reforms at secondary level. And the lecture will be in bilingual mode as usual. And must be useful for various competitive teaching examinations as well as for your regular BA and MA course. Okay, थोड़ा throat infection है. I am trying कि record हो जाए ये. अगर नहीं हो पाया तो बीच में drop कर देंगे. Okay, I am trying. तो अगर हम परीक्षा प्रणाली में सुधारों की बात करें तो ऐसा नहीं है कि आज हम लोग ये बात करने लगे हैं कि परीक्षा में दिक्कतें हैं, परीक्षा सिस्टम गलत है, त्रुटिपूर्ण है और उसमें सुधार होना चाहिए. ये बात स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भी हो रही है. ब्रिटिश एरा में भी बहुत सारे कमीशंस बने, कमिटीज बने. वो बात और है कि वो अपने हित की बात कर रहे थे मेनली, लेकिन मीनवाइल उनके कुछ रिकमेंडेशन जरूर ऐसे थे जो शिक्षा व्यवस्था में कुछ सुधार की गुंजाइश रखते थे, है ना. मेनली वो कह रहे थे कि इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहे अपने हित की, क्यों, क्योंकि उनको आपके वो क्लर्क पैदा करने थे, है ना. तो तब भी बहुत सारे कमीशन, ये देखिए आप वुड्स डिस्पैच जो 1854 में आया, 1882 का हंटर कमीशन, 1902 का यूनिवर्सिटी कमीशन, 1917 का कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन जिसको सैडलर कमीशन भी कहते हैं क्योंकि सैडलर साहब इसके चेयरमैन थे, 1929 का हार्टॉक कमेटी, 1934 की सप्रू कमेटी, 1936-37 की एबॉट वुड रिपोर्ट. ये ध्यान देना होगा आपको कि जाकिर हुसैन ने जिसको चेयर किया था वो बेसिक एजुकेशन स्कीम वादा स्कीम भी 1937 में ही आई थी, और सार्जेंट रिपोर्ट जो कि 1944 में आई है जस्ट बिफोर आवर इंडिपेंडेंस. तो इतने इतने कमीशन्स बैठे, कमिटीज बैठी, उन्होंने रिकमेंडेशंस दिए जिन्होंने परीक्षा प्रणाली में सुधारों की बात की, लेकिन हम अपना एम्फेसिस रखेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में जो बात हुई है, ठीक है. तो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में हम सबको पता है जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, शिक्षा के एज अ डिसिप्लिन से जुड़े हुए लोग हैं, कि पहला जो कमीशन बनता है वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है ना, जो कि 1948 में आया और 1949 में उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की. जैसे कि ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है, मतलब इसका लेना देना, इसका मुख्य ध्येय था कि यूनिवर्सिटी सिस्टम में जो गड़बड़ियां हैं उसको सुधारा जाए. लेकिन इनको, इन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन को भी कवर किया थोड़ा सा ना, क्योंकि वो देखेंगे तो कि जो इंट्रेंट है, जो यूनिवर्सिटी सिस्टम में आ रहा है, वो बच्चा तो सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट करके आ रहा है, इसलिए इन्होंने थोड़ा सा सेकेंडरी एजुकेशन पर भी बात की है. तो ये क्या कहते हैं, द कमीशन थॉट इट अनफॉर्चुनेट दैट नाइदर द पब्लिक नॉर द गवर्नमेंट हैड रियलाइज्ड द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरमीडिएट कॉलेजेस इन द इंडियन एजुकेशनल सिस्टम एंड रिमार्क्ड दैट अवर सेकेंडरी एजुकेशन रिमेन्स द वीकेस्ट लिंक इन अवर एजुकेशनल मशीनरी एंड नीड्स अर्जेंट रिफॉर्म. देखिए क्या कह रहे हैं कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ना तो पब्लिक ने और ना ही सरकार ने इंटरमीडिएट कॉलेजेस की इंपॉर्टेंस या महत्ता को स्वीकारा है. और उन्होंने ये भी कहा कि हमारा जो सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम है वो सबसे कमजोर कड़ी है, मतलब प्राइमरी है, सेकेंडरी है, हायर है. देखिए सेकेंडरी एजुकेशन कड़ी है ना, प्राइमरी और हायर को जोड़ती है, तो यही अगर वीक होगी तो हमको हायर एजुकेशन में जो स्टूडेंट मिल रहा है वही अगर केपेबल इनफ नहीं है तो फिर हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो पास आउट होके रिसर्च और इस तरह से करके हमारी हायर एजुकेशन को के प्रोसेसिंग में सेट हो पाएगा, कोप अप कर पाएगा, है ना. तो उन्होंने कहा कि ये सबसे कमजोर कड़ी है और इसमें तुरंत हमको रिफॉर्म या सुधार की आवश्यकता है. और क्या कहा इन्होंने, इन्होंने कहा दे पॉइंटेड आउट दैट दिस एजुकेशन वाज टू बुकिश, मतलब बहुत इसमें केवल किताबी 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 ज्ञान की बात है, मैकेनिकल है, यांत्रिक है, स्टीरियोटाइप्ड है, मतलब जो ढर्रा चला आ रहा है बरसों से वही चल रहा है, एंड रिजिडली यूनिफॉर्म, मतलब एकदम एक समान है, जबकि जो बच्चा उसको पढ़ रहा है, जो स्टूडेंट उसको पढ़ रहा है, वो तो यूनिफॉर्म नहीं है, उसके तो डिफरेंट इंटरेस्ट है, डिफरेंट एप्टीट्यूड है, डिफरेंट एटीट्यूड है. तो क्यों नहीं ये शिक्षा व्यवस्था वो केटर करती है, और यही कह रहे हैं एंड डिड नॉट केटर टू द डिफरेंट एप्टीट्यूड्स ऑफ द पीपल और टू द पीपल्स ऑफ डिफरेंट एप्टीट्यूड्स, है ना. ऐसा नहीं है, एक ही जैसी पढ़ाई आप लाखों बच्चों को करा रहे हैं.
Nor did it develop those basic qualities of discipline, cooperation and leadership which were calculated to make them function as useful citizens. और कह रहे हैं कि इसके अलावा वो गुण भी ये शिक्षा नहीं डेवलप कर रही है कि बच्चा अनुशासित हो, उसके अंदर सहयोग की भावना हो, उसके अंदर नेतृत्व की क्षमता हो, ताकि वो एक उपयोगी नागरिक बन पाए। क्योंकि हमको ये बात ध्यान देनी होगी, ये एक बात कि सेकेंडरी एजुकेशन, बहुत हमारी जनता हमारे देश की ऐसी है, बच्चे ऐसे हैं जो सेकेंडरी एजुकेशन के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो सेकेंडरी एजुकेशन इतनी इतनी उसमें क्षमता होनी चाहिए कि आपको पता है कि स्टूडेंट इसके बाद पढ़ाई नहीं करेगा तो आप उसको एक काबिल सिटीजन बना सकें, यूजफुल सिटीजन, प्रोडक्टिव सिटीजन बना सकें, है ना। द स्ट्रेस ऑफ एग्जामिनेशन, सॉरी, परीक्षाओं का जो स्ट्रेस है, जो ओवरक्राउडेड सिलेबस है, जो मेथड्स ऑफ टीचिंग है, जो लैक ऑफ प्रॉपर मटेरियल एमिनिटीज, मतलब सुविधाएं नहीं है विद्यालयों में, टेंड टू मेक एजुकेशन अ बर्डन रादर देन अ जॉयस एक्सपीरियंस टू द यूथफुल माइंड। वो कह रहे हैं कि बच्चे को वो बर्डन बना दिया है शिक्षा को, जबकि वो उसके लिए खुशी का क्षण होना चाहिए, खुशी के अनुभव होने चाहिए थे। ठीक है, ये बात यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन कह रहा है। अब आते हैं सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन पे, जिसको मुदालियर कमीशन के नाम से भी जानते हैं, और ये गठित ही इसलिए हुआ, अच्छा इसमें ईयर लिखना भूल गई हूँ, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 में आया और उसने 1953 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। ठीक है, और लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इसके चेयरमैन थे, इसलिए इसको मुदालियर कमीशन के नाम से भी ये पॉपुलरली नोन है। ओके, मतलब भर का गला साथ दे रहा है तो हो जाएगा रिकॉर्ड। तो मुदालियर कमीशन तो मेनली हाई सेकेंडरी एजुकेशन पे, इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशन उठाए, नहीं तो बहुत लेंदी हो जाता वीडियो। तो इन्होंने क्या कहा, सिर्फ सुधारों की बात कर रही हूँ, वो भी एग्जामिनेशन के लेवल पे, बाकी इन्होंने वोकेशनल एजुकेशन, टेक्स्ट बुक और बहुत मेथड्स ऑफ टीचिंग और बहुत सारी बातों पे बात की। तो इन्होंने क्या कहा, ये कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनेशंस शुड बी रिड्यूस्ड एंड द एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी इन द एसे टाइप टेस्ट शुड बी मिनिमाइज्ड by introducing objective tests and also by changing the type of questions। ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो आप संख्या घटाइए परीक्षाओं की, ठीक है, फिर जो आप ऐसे टाइप टेस्ट पूछते हैं उसमें जितनी व्यक्तिनिष्ठता है, मतलब कि कोई एग्जामिनर कैसे जांच रहा है, किसी एग्जामिनर का क्या पैमाना है, कोई कैसे जांच रहा है, कोई किस मूड में है, कोई किस माइंडसेट में है, और आप उसको जांच के उसके रिपोर्ट कार्ड पर लिख देते हैं। उन्होंने कहा सब्जेक्टिविटी घटाइए, इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट इंट्रोड्यूस कीजिए तो अपने आप सब्जेक्टिविटी घट जाएगी, और जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका प्रकार भी बदलिए। और क्या कहा इन्होंने, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द पीपल्स ऑलराउंड प्रोग्रेस एंड टू डिटरमाइन हिज फ्यूचर अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ स्कूल रिकॉर्ड्स शुड बी मेंटेन्ड फॉर एवरी पीपल इंडिकेटिंग द वर्क डन बाय हिम फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड हिज अटेनमेंट्स इन डिफरेंट स्फीयर। ये कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट कार्ड है उसमें तो आप सिर्फ अंक देंगे, है ना, कि इस विषय में इतना, इस विषय में इतना, लेकिन सिर्फ अंक ही नहीं हमको देना है, ना ही हमको सिर्फ उसके विषयगत ज्ञान का मूल्यांकन करना है। वो कह रहे हैं कि आप बच्चे के लिए स्कूल रिकॉर्ड बनाइए, जितनी एक्टिविटी हो रही है साल भर, उसके एडमिशन से लेके उसके फाइनल एग्जामिनेशन तक, सब उसमें मेंटेन रखिए, और विभिन्न स्फीयर्स में उसकी अटेंडमेंट्स को उसमें रिकॉर्ड कीजिए, और वो भी उसकी एक ऑलराउंड प्रोग्रेस का जरिया बनेगा। और इन्होंने क्या कहा, इन द फाइनल असेसमेंट ऑफ द पीपल्स ड्यू क्रेडिट शुड बी गिवन टू द इंटरनल टेस्ट एंड द स्कूल रिकॉर्ड्स ऑफ द पीपल। देखिए 1952 में इंटरनल टेस्ट की बात की जा रही है, और अभी तक हम जब मतलब इसको पूरी तरह से लागू नहीं कर पाए, आप इस बात को समझिए गंभीरता को। इन्होंने कहा कि इंटरनल टेस्ट और स्कूल रिकॉर्ड्स को भी ड्यू क्रेडिट दीजिए जब आप फाइनल असेसमेंट बच्चे का कर रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा, द सिस्टम ऑफ सिंबॉलिक रादर देन न्यूमेरिकल मार्किंग शुड बी अडॉप्टेड फॉर इवेलुएटिंग एंड ग्रेडिंग द वर्क ऑफ द पीपल्स इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल एग्जामिनेशंस एंड इन मेंटेनिंग द स्कूल रिकॉर्ड्स। वो कह रहे हैं कि सिंबल दीजिए, जैसे आजकल ग्रेड्स की बात होती ना, अंक मत दीजिए। फिर कह रहे हैं देयर शुड बी ओनली वन पब्लिक एग्जामिनेशन एट द कंप्लीशन ऑफ द सेकेंडरी स्कूल कोर्स। वो कह रहे हैं कि सिर्फ एक पब्लिक एग्जामिनेशन कराइए जब बच्चा कोर्स खत्म करता है। और क्या कह रहे हैं, द सर्टिफिकेट अवॉर्डेड शुड कंटेन बिसाइड्स द रिकॉर्ड ऑफ द पब्लिक एग्जामिनेशन इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स द रिजल्ट्स ऑफ द स्कूल टेस्ट्स इन सब्जेक्ट्स नॉट इंक्लूडेड इन द पब्लिक एग्जामिनेशन एज वेल एज द जिस्ट ऑफ द स्कूल रिकॉर्ड्स। ये कह रहे हैं कि जो सर्टिफिकेट आप बच्चे को दे रहे हैं उसमें बिसाइड्स द रिकॉर्ड ऑफ द पब्लिक एग्जामिनेशन डिफरेंट शुड कंटेन, मतलब उसमें सब कुछ हो, वो सारा समेटिव हो, है ना, सारा कुछ उसमें रखिए आप। और क्या कह रहे हैं, द सिस्टम ऑफ कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन शुड बी इंट्रोड्यूस्ड
कंपार्टमेंटल मतलब कि किसी का कंपार्टमेंटल एग्जाम आ गया, जैसे फेल हो गया, जैसे आप जिसको आप इम्प्रूवमेंट कहते हैं, उस टाइप की भी सुविधा रखिए, ठीक है। फिर मतलब इतनी बातें आपको मुदालिया कमीशन कहता है। फिर एक काउंसिल गठित हुई थी, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। आफ्टर द मुदालिया कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, जब मुदालिया कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अप्रेज्ड, मतलब यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बड़ाई की, तारीफ की इन संस्तुतियों की, एंड बिगेन सीकिंग देम फॉर दिस पर्पज। AICSE वॉज स्टैब्लिश, मतलब कि कैसे इसको प्राप्त किया जाए, उसके लिए AICSE गठित की गई। विदाउट लूजिंग टाइम AICSE ऑर्गेनाइज अ सेमिनार ऑन एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स एट भोपाल 22-29 फेब 1956। और AICSE जैसी गठित की गई, इसने भोपाल में 1956 में एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया जिसका नाम था एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स, है ना। बिसाइड्स अदर रिकमेंडेशन फॉर इम्प्रूविंग एग्जामिनेशन, द सेमिनार ऑल्सो रिकमेंड द क्रिएशन ऑफ एन एक्सपर्ट बॉडी टू बी कॉल्ड द सेंट्रल एग्जामिनेशन यूनिट। और इस सेमिनार में ये रिकमेंड किया गया कि आप एक CEU बनाइए, सेंट्रल एग्जामिनेशन यूनिट, जो कि यही यही काम करेगा कि कैसे एग्जामिनेशन करा कराया जाए। तो इसने क्या किया, देखिए कितनी खास बात है, और बहुत से लोग इसको नहीं जानते होंगे कि इन 1957 इट इनवाइटेड डॉक्टर बेंजामिन एस ब्लूम। देखिए हम लोग ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं, और जब तक इसको मैंने नहीं जाना था, मैं नहीं जानती थी ये बात कि कभी ब्लूम साहब हिंदुस्तान भी आए थे, और क्यों आए थे, यही एग्जामिनेशन रिफॉर्म पे बात करने के लिए। तो AICSE ने 1957 में बेंजामिन एस ब्लूम को बुलाया कि आप एग्जामिनेशन रिफॉर्म पे हमको गाइड कीजिए। तभी से ये बात आई होगी या आई है कि आप ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को फॉलो करते हुए क्वेश्चन पेपर बनाएंगे, यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चन भी उसमें इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। कोठारी कमीशन आता है 1964 में, जो कि 66 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है। वो क्या कहता है, दिस कमीशन बोल्डली सजेस्टेड दैट द सर्टिफिकेट ऑफ द स्टूडेंट शुड बियर हिज कंप्लीट परफॉर्मेंस। वो कह रहे हैं सब कुछ उसके सर्टिफिकेट पे लिखिए। द न्यू अप्रोच टू एग्जामिनेशन, उन्होंने कहा कि एग्जामिनेशन के लिए एक न्यू अप्रोच अटेम्प्ट कीजिए, उसमें क्या हो, टू इम्प्रूव द रिटन एग्जामिनेशन, आप रिटन एग्जामिनेशन को इम्प्रूव कीजिए। टू डिवाइज टेक्निक्स फॉर मेजरिंग दोज इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स ग्रोथ दैट कैन नॉट बी मेजर्ड बाई रिटन एग्जामिनेशन। वो कह रहे हैं जिसकी लिखित परीक्षा नहीं हो सकती, उस एस्पेक्ट को भी तो आप जज कीजिए। फिर कह रहे हैं इंटरनल असेसमेंट बाय द स्कूल शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव एनफ टू इवेल्युएट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट ग्रोथ इंक्लूडिंग दोज नॉट मेजर्ड बाय द एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। मतलब कहने का कि होलिस्टिक अप्रोच लेके चलिए, एक्सटर्नल भी है, इंटरनल भी है, स्कॉलेस्टिक भी है, नॉन स्कॉलेस्टिक भी है, सब कुछ कंप्लीट उसकी परफॉर्मेंस का जजमेंट होना चाहिए एग्जामिनेशन में, है ना। फिर आता है NPE 1986, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है द इलिमिनेशन ऑफ एक्सेसिव एलिमेंट ऑफ चांस एंड सब्जेक्टिविटी। हटाइए इसको, आप डी इम्फेसिस ऑफ मेमोराइजेशन, सिर्फ रटने वाले सवाल मत पूछिए। CCE को अप्लाई करने के लिए NPE कह रहा है, देखिए कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन लीजिए, जो कि स्कॉलेस्टिक और नॉन स्कॉलेस्टिक आस्पेक्ट उसका जज करेगा, मतलब कि पढ़ाई वाले विषय भी नापे जाएंगे, जांचे जाएंगे, और जिसमें पढ़ाई नहीं इन्वॉल्व है को करिकुलर एक्टिविटी, उसकी परफॉर्मेंसेज वो भी जांचिए। फिर इफेक्टिव यूज ऑफ द इवेल्युएशन प्रोसेस बाई टीचर, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, इम्प्रूवमेंट इन द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, उसके कंडक्शन को भी सुधारिए, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्कोमिटेंट चेंजेस इन इंस्ट्रक्शनल मटीरियल एंड मेथोडोलॉजी, और सेमेस्टर सिस्टम को सेकेंडरी स्टेज में फेज्ड मैनर में स्टार्ट कीजिए, और अंकों की जगह ग्रेड दीजिए। देखिए कितना कितना सुधार कैसे कैसे हुआ है विभिन्न संस्तुतियों के तहत, है ना। आती है आपकी वेरी रीसेंट अवर NEP 2020, ये क्या कह रही है, NEP 2020 एम्स टू ट्रांसफॉर्म द नेचर ऑफ लर्निंग असेसमेंट फ्रॉम वन दैट इज समेटिव एंड प्राइमरीली टेस्ट रोट मेमोराइजेशन स्किल्स टू वन दैट इज, कह रहे हैं कि मोर रेगुलर एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट लीजिए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लीजिए, वन दैट टेस्ट हायर ऑर्डर स्किल्स, है ना, जो कि ब्लूम साहब बता के गए। उसको फिर NEP 2020 दोहरा रहा है कि आप एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के सवाल पूछिए। फिर चेंजेस इन द नेचर ऑफ द प्रोग्रेस कार्ड्स, कह रहे हैं कि प्रोग्रेस कार्ड होलिस्टिक होना चाहिए, 360 डिग्री, मतलब हर एंगल को नापे, मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट दैट रिफ्लेक्ट्स द प्रोग्रेस एज वेल एज द यूनिकनेस ऑफ ईच लर्नर इन द कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स, है ना, जो कि ब्लूम साहब बता के गए कि हमको स्टूडेंट का सिर्फ कॉग्निटिव आस्पेक्ट नहीं जज करना है, उसका इफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन को भी आप जज कीजिए, नापिए, इवेलुएट कीजिए। इट विल इंक्लूड सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट एंड द प्रोग्रेस ऑफ द चाइल्ड इन प्रोजेक्ट बेस्ड एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, क्विजेज, रोल प्लेज, ग्रुप वर्क, सॉरी
पोर्टफोलियोज एक्सेट्रा एलॉन्ग विद टीचर असेसमेंट। इतनी तरीके से आप असेसमेंट कीजिए, बच्चा खुद अपने आप को असेस करे, उसका पीयर ग्रुप उसको असेस करे, टीचर तो असेस कर ही रहा है, ठीक है। और एक देखिए नया एक बनाया गया है, एमएचआरडी ने बनाया है क्या, परख। नाम भी देखिए इतना अच्छा है, परख माने भी जांचना होता है, और इसका एब्रीविएशन का फुल फॉर्म निकल के आएगा परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। इट सेट अप एज ए स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी अंडर एमएचआरडी। एमएचआरडी ने इसको बनाया है, वो क्या क्या करेगी, सेटिंग नॉर्म स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस फॉर स्टूडेंट असेसमेंट, यानी कि बच्चे की जांच के लिए, बच्चे को जांचने के लिए नॉर्म बनाएगी, स्टैंडर्ड बनाएगी, गाइडलाइन बनाएगी, और क्या करेगी, गाइडिंग दी स्टेट अचीवमेंट सर्वे SAS एंड अंडरटेकिंग दी नेशनल अचीवमेंट सर्वे। मतलब कि आप एक स्टेट अचीवमेंट सर्वे लीजिए, उसमें देखिए बच्चा कहाँ स्टैंड करता है, NAS करिए, ताकि बच्चे में ये मोटिवेशन आए कि हम देखिए कहाँ स्टैंड करते हैं। और मॉनिटरिंग अचीवमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स इन द कंट्री एंड इनकरेजिंग एंड हेल्पिंग स्कूल बोर्ड्स टू शिफ्ट देयर असेसमेंट पैटर्न्स एज पर NEP 2020। आपका UP बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, ICSE बोर्ड है, वो किस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो आप उनको असेस कीजिए, उनको हेल्प कीजिए, उनको इनकरेज कीजिए कि अब आप शिफ्ट हो जाइए NEP 2020 के पैटर्न पर। ओके, तो दैट is all about examination reforms at secondary education by various commissions and committees after independence. Okay, first of all, University Education Commission, then Secondary Education Commission, then All India Council for Secondary Education, then Kothari Commission, NEP 1986. उसके बाद POA 1992 में भी कुछ कुछ बातें कही गई, और फिर last but not the least, NEP 2020। तो इतने कमीशन्स और कमिटीज ने सुधारने की कोशिश की है माध्यमिक स्तर पर परीक्षा प्रणाली को, ठीक है। तो आई होप इट विल बी क्लियर एंड कॉम्प्रिहेंसिव एनफ फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लकीली गले ने ज़्यादा परेशान नहीं किया। ओके, डन फ्रॉम माई साइड।